नालसा में पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की पत्रकारों ने निंदा की। प्रेस क्लब ने राष्ट्रपति के नाम थाना प्रभारी परमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि स्वतंत्र मीडिया को देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, इसकी स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया गया है। प्रेस क्लब के सदस्यों ने कहा कि अर्णव गोस्वामी के ऊपर जिस ढंग से कार्रवाई की गई उससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को पूरी तरह से खतरा है। पत्रकारों ने गोस्वामी को रिहा कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रेस क्लब अध्यक्ष अशोक मिरदवाल, अशोक राठौर आदि उपस्थित थे। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। भारत चैनल के संपादक अर्बन गोस्वामी की गिरफ्तारी की प्रेस क्लब नालछा निंदा करता है। जिस तरीके से अर्बन की गिरफ्तारी की गई है वह गलत। जहां स्वतंत्र मीडिया को देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसी स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया गया है। एक पत्रकार यदि किसी सरकार या किसी फिर पुलिस पर सवाल दागे तो क्या उसे जेल में डाल देंगे? अर्बन के ऊपर जिस ढंग से कार्रवाई की गई है उससे पत्रकारिता को पूरी तरह से खतरा है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून के दरवाजे हैं जहाँ से न्याय सभी को मिलता है। एक राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार को देशवश सुबह सुबह घर से घसीटते हुए गिरफ्तार करना और मारपीट करना महाराष्ट्र पुलिस को शोभा नहीं देती। इस तरह पत्रकार पर हुई देशपूर्ण कार्रवाई को लेकर के प्रेस क्लब नालछा अर्बन गोस्वामी की रिहाई की मांग कर उन पर किए गए दुर्व्यवहार को लेकर के कड़ी आपत्ति दर्ज करवाता है निवेदन करता है कि प्रशासन में बैठे ऐसे लोगों का तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित रहे। अशोक मेरदवा, किस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया? आर भारत चैनल के संपादक की जो गिरफ्तारी महाराष्ट्र में की गई है उसके खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है और प्रेस क्लब नालछा कड़े शब्दों में निंदा करती है इस गिरफ्तारी की। आपका नाम? अशोक मिरदवाल, प्रेस क्लब अध्यक्ष नालछा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।